इस बार हम लोग लोकल को देख रहे हैं। अच्छा, इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन यहाँ हो। कह रहे हैं रोजगार पर वोट होगा, आप क्या कह रहे हैं? कोई रोजगार पे वोट नहीं होगा। मोदी जी कहे थे जो हर साल जो है काला धन लाएंगे, हर खाता में 15-15 लाख जाएगा। करने वाले नहीं है भाजपा, भाजपा खाली ढोंगोली है, यही सब करते हैं, दाल भात का प्रोग्राम चलता है। जेएमएम से हैं, जेएमएम का इतना विरोध है, कैसे चलेगा काम? देखिए बोला विपक्ष वाला विरोध करेगा ही। हाँ। क्योंकि इससे पहले लुइस मरांडी बीजेपी में था। हाँ। 4 दिन पहले। हाँ। तब तक अच्छा था। हाँ। अब आया जेएमएम में। हाँ। बीजेपी वालों को दर्द होने लगा। जेएमएम को करेंगे कि भाजपा को करेंगे? नहीं, जेएमएम को करेंगे। तो भगवा पेन के जेएमएम को करेंगे, भाजपा को नहीं करेंगे। जेएमएम को? हाँ, जेएमएम को। जेएमएम क्यों पसंद है? हम लोग का पसंद, हम लोग का दिल का बात उसने जीत लिया। झारखण्ड 110% जीतेगा। कौन? हमारा हेमलाल मुर्मू जी। जो भी आया पैसा, अभी लेडीज का भी आया है 1-1 हजार, दिसंबर से 2500 रुपया मिलेगा। हेमंत सोरेन ने कोई काम भी किया है? हाँ, क्या है? किस योजना से आप लाभान्वित हुई हैं? मैया योजना। हाँ। कितनी किस्त आ गई आपकी? 4 किस्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह दुमका में मौजूद हूँ। दुमका झारखंड की उपराजधानी भी कही जाती है। उपराजधानी के साथ साथ यहाँ राजनीतिक सरगर्मी भी खूब रहती है। राजनीतिक सरगर्मी इसलिए भी कि ये सीट करीब करीब हॉट सीट मानी जाती है। ये सीट परंपरागत देखें तो जेएमएम की सीट रही है। अभी जो वर्तमान में स्थिति है, पहले यहाँ से सीता सोरेन जो थी वो विधायिका थी, वो विधायक यहाँ से थी, लेकिन अब सीता सोरेन यहाँ से छोड़ के जामताड़ा चली गई हैं और वो भाजपा में चली गई हैं। पिछले बार जेएमएम में थी, अब की बार यहाँ जो लुइस मरांडी हैं, डॉक्टर लुइस मरांडी, पहले भाजपा में थी, अब जेएमएम में आ गई हैं। कई समीकरण बन रहे हैं, कई समीकरण बिगड़ रहे हैं। जनता का मन क्या है, जनता का माहौल क्या है, जनता इस बारे में क्या सोचती है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता किसको अपना मतदान देकर प्रतिनिधि चुनेगी। सर, आप पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव जी? हाँ। तो इस बार किसको? यादव जी देखिए, इस बार कांटे की टक्कर है। हाँ। और हम लोग इस बार अपना जो भी युवा है, जो भी हम लोग है, इस बार हम लोग लोकल को देख रहे हैं। अच्छा, इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन यहाँ हो। तब भाजपा लोकल के लिए वोकल तो भाजपा है, आप लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं? नहीं, लोकल है कि हम लोग यहाँ लोकल प्रत्याशी घर के बगल के हैं। तो बाहरी कौन है? बाहरी देखिए, बाहरी अभी है, अभी नाम नहीं बता सकता हूँ, वो जेएमएम का ही है बाहरी। अच्छा। तो हम लोग सारा सब अपना फैसला किए हैं कि इस बार हम लोग लोकल को इस बार मौका देंगे, क्योंकि 2 बार वो जो है बहुत कम अंतर से हारे हुए थे, और हम लोग उसके साथ उठना बैठना होता है, चौक चौराहा में सबसे अच्छा संबंध है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार उनको मौका दे एक बार। अच्छा, उम्मीद है उनसे हमको काफी कि वो आने वाले समय में विकास करेंगे। अच्छा, लुइस मरांडी के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं, आप भाजपा के बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ। जी ठीक है, तो लगता है कि भाजपा डबल इंजन की सरकार आएगी तो झारखंड का कुछ भला होगा? देखिए, भला होगा युवाओं को, अभी तो उसका मैनिफेस्टो में है कि सबको रोजगार देने की बात कही गई है, और हम लोग को पिछली सरकार में, अभी जो सरकार वर्तमान में है, हम लोग को युवाओं को बोला गया था कि 5 लाख नौकरी देंगे साल में, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रोजगार का कोई विकल्प नहीं मिला है। इस पर इसलिए हम लोग सभी चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो। अगर रोजगार की बात करेंगे तो देश में अगर एक तेजस्वी यादव को छोड़ दे तो किसी ने रोजगार पे बात नहीं की है। हाँ। मोदी सरकार ने भी कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 11 साल हो गए, अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला। रोजगार का विकल्प दिए हैं, ऐसा नहीं कि सबको गवर्नमेंट नौकरी ही मिले, सबको छोटा छोटा जो भी है कुछ ना कुछ छोटा छोटा रोजगार से जोड़ने का प्रयास किए हैं और आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, कह रहे हैं रोजगार पर वोट होगा, आप क्या कह रहे हैं? कोई रोजगार पे वोट नहीं होगा। मोदी जी कहे थे जो हर साल जो है काला धन लाएंगे, हर खाता में 15-15 लाख जाएगा, और प्लस जनता से 15-15 लाख रुपया ले लिए। हाँ। आज से 17 साल पहले बीजेपी की सरकार थी। हाँ। बाबूलाल मरांडी जी कहते थे यहाँ से खनन कोयला हुआ, पत्थर हुआ, कुछ नहीं, सब वही चालू किए, 14% आरक्षण कम कर दिए हो, और अभी कहते हैं जो ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करने वाले नहीं है भाजपा, भाजपा खाली ढोंगोली है, यही सब करते हैं, दाल भात का प्रोग्राम चलता है और कुछ नहीं चलता है। आपका नाम? संतोष सिंह। संतोष सिंह, 1932 का खतियान है आपके पास, झारखंडी बन रहे हैं आप? झारखंडी 1932 का खतियान नहीं, लेकिन 1957 से यहाँ रह रहे हैं। 1957 से रह रहे हैं जी। आप झारखंडी हैं? झारखंडी हैं। ठीक है, इधर आइए भैया, ये तो कह रहे रोजगार पर वोट नहीं होगा, आप बताइए आप के मुद्दे क्या हैं? इस बार मतदान किसको करेंगे, किस मुद्दे पर आपका मतदान जाएगा? अभी बोल नहीं सकते हैं। अभी नहीं बोल सकते, आप बात करेंगे? अपना पहले नाम बताएं सर। मेरा नाम राजू पुजर है। राजू गुजर? पुजर। पुजर, माफ करिएगा, पुजर। पुजर साहब, इस बार क्या माहौल है? इस बार माहौल भाजपा की ओर माहौल है। भारतीय जनता पार्टी को सभी युवा साथी, महिला जितने भी है,
सभी विधानसभा के सभी लोग चाह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। हमारे यहाँ के प्रत्याशी माननीय सुरेश मुर्मू जी हैं और इनको चाहते हैं यहाँ की जनता कि इनको हर हाल में विधायक हम लोग देखना चाहते हैं। अच्छा, तो मुझे बताइए कि इस सीट पर आपको लगता है कि अगर बात करें डबल इंजन की सरकार, लगता है डबल इंजन की सरकार होगी तो झारखंड का भला होगा? डबल इंजन की सरकार अगर आज से 5 साल पहले चले जाइएगा, जब रघुवर दास जी की जब सरकार थे, डबल इंजन की जब सरकार थे तो यहाँ पर धराताल में आप देखे होंगे कि 18,000 जो है हमारे थाना प्रभारी की नियुक्ति हुआ था एसआई का, शिक्षक जो है लगभग 26,000 बहाली हुआ था। लेकिन अभी वर्तमान की जो सरकार थी आप है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा, जितने वादा किया था सब में फेलियर रहा वो, जिसके चलते युवा साथी जो है पूरा क्षुब्ध है, पूरा विरोध कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस बार इस भारतीय आपका जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को उखाड़ के यहाँ से फेंकने का काम करेंगे। अच्छा, मुझे बताइए, आपने कहा कि कोई काम नहीं हुआ है, हेमंत सोरेन लगातार कह रहे हैं बिजली बिल माफी हुई है, आपकी माफ हुई है बिजली बिल? बिजली बिल माफ किए हैं, अभी आप जो है मरते मरते जो है आप हरिनाम का कीर्तन कर रहे हैं, उससे पहले 5 साल कहाँ गए थे? बिजली बिल अगर एक गरीब का अगर महीना में आता था तो बहुत लाल कार्ड है, और बहुत ऐसा है कि 200-500 से ज्यादा बिजली बिल नहीं था, वो 500 रुपया माफी करके अब क्या साबित करना चाह रहे? नहीं भाई, 500 से ज्यादा भी हुआ है, ज्यादा हुआ है, जो धोखेबाज थे उन लोगों का ज्यादा था, लेकिन जो अप टू डेट रहते थे ये ना कहिए, धोखेबाज ना कहिए। इधर आइए भाई साहब, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है गोपिन मुर्मू, हम जेएमएम से हैं। जेएमएम से हैं? जेएमएम का इतना विरोध है, कैसे चलेगा काम? देखिए बोला विपक्ष वाला विरोध करेगा ही। हाँ। क्योंकि इससे पहले लुइस मरांडी बीजेपी में था। हाँ। 4 दिन पहले। हाँ। तब तक अच्छा था। हाँ। अब आया जेएमएम में। हाँ। उसको किसी वजह से जेएमएम में आया। हाँ। तो आप विरोध बीजेपी वालों को दर्द होने लगा कि भैया लुइस मरांडी खराब है, ये है वो है, बाहरी है। बाहरी कहाँ है भैया, बाहरी ये दुमका का ही है, ये तो जेएमएम का। रहा सवाल हमारा तो सरकार का। हाँ, जी आप बोलिए। सरकार का बोला काम नहीं किया, 2 साल कोरोना में चला गया, और तीसरा 4 महीना उसको जेल में डाल दिया गया, वो भी बोलता कि जमीन घोटाला में। आप क्यों साबित नहीं किया भैया जेल जमीन घोटाला में कि घोटाला हुआ, सजा कीजिए इसको, सजा आप दीजिए। अगर घोटाला किया तो सजा दीजिए आपको, वो तो आप कर नहीं सकते हैं। रोजगार कहाँ दिए हैं, माफ करिएगा, सही बात है, रोजगार अभी नहीं कर पाया है, क्योंकि उसमें 2 साल इधर जेल में डाला, परेशान में डाल, प्रत्येक बार उसको परेशान में डाला जाता है, हर बार उसको मतलब किसी को फंसाने की कोशिश किया जाता है। क्यों आप उसको फंसाना कोशिश, ठीक है भैया, आप अब की ये सीट आपकी जो है ये बच पाएगी या एकदम 100% बचेगा? क्यों नहीं बचेगा, परंपरागत सीट जेएमएम की है, एकदम है, बचेगा अभी जो एकदम 100% बचेगा, 100% बचेगा। जनता लुइस फर्नांडिस के साथ है, कुछ बीजेपी का भी आदमी लुइस फर्नांडिस के साथ है, जेएमएम का तो है ही, इसलिए बचेगा ही बचेगा, इसमें कोई सीट बचेगा इस बार, बचेगा बचेगा, कौन जीतेगा? लुइस मरांडी जे मैम काहे भाई, वो लोग तो कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ जेएमएम में, आप कह रहे लुइस मरांडी जीतेंगी, क्या हुआ है पता नहीं, जीतेगा ही जीतेगा, काम हुआ है नहीं हुआ है जीत, कोई मतलब नहीं। क्या कह रहे हैं? काम हुआ है, लाल गमछा लेके अब बात कीजिएगा जेएम, हरा पट्टी का लाल ही है, हरा पट्टी है, लाल पट्टी नहीं, हरा पट्टी, हरा पट्टी है, हरा पट्टी जेएमएम काहे ही कह रहे हैं भगवा कलर है, हाँ इसीलिए भगवा पहना रहे, तो भगवा पहन के भगवा को वोट नहीं, वोट नहीं दीजिएगा, वोट देना है भगवा को देना है ना, यही तो हम कह रहे हैं, तो इस बार किसको वोट करेंगे? हम लोग जेएमएम करेंगे, जेएमएम को करेंगे कि भाजपा को करेंगे? नहीं, जेएमएम को करेंगे, तो भगवा पहन के, हाँ जेएमएम को करेंगे, भाजपा को नहीं करेंगे, जेएमएम को, हाँ जेएमएम को, जेएमएम क्यों पसंद है? हम लोग का पसंद है, हम लोग का दिल का बात उसने जीत लिया है, तो ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया, कोई काम को मतलब नहीं है, रोजगार करवे करते अपना कमावे करते खाइवे करते हैं, उनसे सरकारी मदद नहीं चाहिए हम, हम अपना कमा के खा लेंगे। अरे भाजपा 2100 रुपया दे रही है, भाजपा 500 में सिलेंडर देने की बात कर रही है, हेमंत सोरेन भी अभी 1000 दे रहे हैं, अगला दिन 2500 देंगे, हेमंत सोरेन, हाँ हेमंत सोरेन को देंगे। आपका नाम बताए मुझे जी। मेरा नाम हुआ मिथुन कुमार। मिथुन? हाँ बोला जाए। अरे मिथुन जी, अभी मिथुन जी का पर्स चोरी हो गया था, सुनिए विपक्ष विपक्ष चलते रहता है दादा, चोरी होता नहीं, चोरी कराया भी जाता है, फोकस नहीं दीजिएगा, दिखेगा नहीं तो बिकता नहीं है। तो भाजपा के कार्यक्रम में जेएमएम वाले चले गए थे पर्स काटने? एक मिनट, आप 7 सीटेड वाला, 7वां मंजिल वाला, और जो जो जेट सुरक्षा वगैरह वगैरह आप लेके बैठे हुए, केंद्र सरकार आपकी है और आपका सुरक्षा में आपकी पार्टी चल रही है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला पागल है जो चले जाएंगे वहाँ? आपका मंच में हम क्यों जाए भाई?
तो चोरी तो आप ही ने किया होगा ना। किसने किया? ये अब आपकी पार्टी में आपने किया होगा। अच्छा। आपके मंच में हो रहा है तो हम थोड़ी जाएगा वहाँ। अच्छा, इस बार मन में क्या है? मन में क्या, तो खुलेआम देख रहे हैं कि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया, कोई काम से क्या बहस है हमको? कोई काम नहीं हुआ। अब धरातल पर तो देखिए, कह रहे हैं अब क्या नहीं मिला है, ये कह रहे हैं कि खाली इससे पूर्व में क्या नहीं मिला था बताइए आप। ठहरिए ना, हम आपसे भी सवाल पूछे, इनसे भी पूछ रहे हैं। आप इस विधानसभा से हैं? जी नहीं, दूसरी विधानसभा से हैं। लिट्टीपाड़ा विधानसभा। लिट्टीपाड़ा में कौन लड़ रहा है? लिट्टीपाड़ा में आपका जाकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा से लड़ रहे हैं हेमलाल मुर्मू जी, बाबूदन मुर्मू जी लड़ रहे हैं आपका जाकर के बीजेपी से, और वगैरह वगैरह सब तो होता ही है। झारखंड में क्या माहौल लग रहा है? झारखंड 110% जीतेगा। कौन? हमारा हेमलाल मुर्मू जी। आप किसके आदमी हैं? हम किसी का आदमी नहीं है। हाँ। लेकिन इतना बताते हैं इंडिया की सरकार बन रहा है। किसका? बीजेपी सरकार बन रहा है। बीजेपी जी सर। तो बीजेपी इंडिया कहाँ से होगी? इंडिया क्या बोले? इंडिया की सरकार बोल रहे हैं। इंडिया की सरकार बीजेपी सरकार बन रहा है। बोलो सर। अच्छा, क्यों सरकार बन रही है? क्यों पसंद है बीजेपी? बीजेपी अच्छा काम किया है क्या? अब देख नहीं, पूरा दुनिया मोदी खोज रहा है, तो मोदी को आज हम पूरा विदेश खोज रहा था। तो मोदी को प्रधानमंत्री थोड़ी बनना है, यहाँ मुख्यमंत्री किसको चुनेंगे? मुख्यमंत्री चुनाव प्रधानमंत्री का नहीं है, बीजेपी को चुनेंगे। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री वो भाई अल्लाह का मान सम्मान, ये सब समझे किसको बनाएंगे? अल्लाह का मान सब बोलेगा, अल्लाह का मान अल्लाह का सब मोदी समझे किसको बनाएंगे? अपना नाम बताइए जी। टिंकू यादव। टिंकू यादव, यादव जी इस बार क्या माहौल है यहाँ? माहौल दोनों का 50-50 है। 50-50 है। और अब तो 3 दिन बचे हैं, अब क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी और पसंदीदा मुख्यमंत्री आपका कौन है? देखिए, पसंदीदा हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में जो बने वो स्थिर बने। स्थिर बने, हाँ। ये नहीं कि इसको ले लिया उसका। देखिए, विधायक यहाँ से जाने के बाद अपना मंत्री पद लेना चाहता है, हरदम चाहता है कि हमको बड़ा मंत्री मिले। और यहाँ का जो जैसे विधानसभा में लोग वोटिंग करते हैं, कभी हम लोग का विकास ऐसे नहीं आता, वोट के बाद यहाँ से गायब हो जाता है। फिर 5 साल तक हम लोग को झेलना पड़ता है। कोई छोटा सा अगर एक्सीडेंट भी हो गया या रिम्स भेज रहे हैं, तो कोई नेता का वहाँ पैर भी नहीं चलता। इससे हम लोग को बहुत इस सबसे दुख पड़ता है। 5 सालों में हेमंत सोरेन का कार्यकाल कैसा रहा, ठीक है कि खराब है? देखिए, बोला जाए तो अभी लास्ट का 6 महीना ये बहुत अच्छा ही काम किया है, लेकिन उससे पहले कभी ध्यान नहीं दिया। कौन पसंद है और किसको इस बार? इस बार मुद्दे तो के साथ मुख्यमंत्री तो बनेगा हम लोग हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन क्यों बनेंगे? लोग तो कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया। इसलिए देखिए, पहले का भी आंकड़ा को देखिए, जो कि 5 साल बीजेपी का सरकार था, उसने क्या काम किया है? सारा बालू बेच दिया, जबकि मेरा झारखंड का था, वो तो बाहर चला गया। और अभी जो बालू हम लोग को यहाँ पर 500 में मिल रहा था, अभी मिल रहा है 1000 रुपये में, तो वो भी तो बीजेपी ने किया है। खनन का भी मामला जितना भी है, पहले बीजेपी में किया है, फिर जेएमएम कर रहा है, तो दोनों मिलके दोनों का ही दोनों खत्म है। लेकिन इस बार जो बनेगा, 6 महीने में जो काम किया, उसी हिसाब से हम बता रहे हैं कि जेएमएम का ही सरकार बनेगा, क्योंकि जनता जागरूक है। जो भी आया पैसा, अभी लेडीज का भी आया है 1-1000, दिसंबर से 2500 रुपया मिलेगा, उसी के विरोध में निकाला है बीजेपी 2100 रुपया। तो अगर विरोध करना था तो पूरे विरोध करना था, इसके लिए आप क्यों किया? आप उसको भी आप 2100 रुपया क्यों देना चाहते हैं? इसके लिए तो इसका भी तो कुछ मुद्दा है ना भाई, जो 2100 रुपया हम देंगे अगर जीतेंगे, अपना सरकार बनाएंगे। और इसने तो पास कर दिया कि 2500 मिलेगा, तो ऑटोमेटिक उसी के ऊपर सरकार बनेगी। भाजपा कह रही है देंगे वेंगे नहीं, चुनाव जीतते ही बंद कर देंगे। नहीं, ऐसा तो कोई अभी ये नहीं आया, अभी हम तो आया नहीं है, वो तो बोला है, हम लोग का घर में भी आया है, पर्ची लिख के गया है सब चीज। कितने लोगों का आया? अभी आ रहा है, मेरा घर में 3 आदमी का आ रहा है, 1000 करके। हाँ, क्या किस्त आ गया? तीसरा किस्त, चौथा, यहाँ तीसरा किस्त आ गया। चौथा किस्त नहीं, चौथा किस्त आने वाला है, अभी आया नहीं है। हाँ, ठीक है। तो मतलब इस पे मतदान करेंगे? नहीं जी मैम, हम लोग एकदम जी मैम। इस बार क्या लगता है किसका माहौल है मैम? माहौल तो झारखंड का, मैंने जेएम का तो पता रहा है, मैंने सब कोई बोल रहा है जेएमएम का। हाँ। हेमंत सोरेन ने कोई काम भी किया है? हाँ, क्या है? किस योजना से आप लाभान्वित हुई हैं? मैया योजना। हाँ। कितनी किस्त आ गई आपकी? 4 किस्ती। 4 किस्त आ गया। हाँ। चौथा किस्त कब आया? चौथा किस्त छठ पूजा में। अच्छा, कितने लोग हैं आपके घर में जो लाभान्वित है मैया योजना से? दो दोनों लोगों का किस्त आ गया है। हाँ। चौथा किस्त। हाँ। ठीक है, मैं
जामा विधानसभा में था और देश में लोकतंत्र है तो जाहिर बात है कि अपने पसंदीदा नेता को चुनने का अधिकार सबको है। सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।